ये यहाँ की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं सिंह जामदी एक और न्यू और फ्रेश ब्लॉग लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आप सबको मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। तो आज का वीडियो शूट होने जा रहा है, जैसे कि आपने पीछे ब्लॉग देखा होगा मेरा, मैं केरल में था और केरल से हमें कुछ काम के लिए मैंगलोर आना पड़ा। केरल स्टेट अलग है और ये मैंगलोर जो है ये कर्नाटक स्टेट में आता है। तो सुबह हम वहाँ से आए थे। ये यहाँ की बिल्डिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर जो भी काम था वो हो चुका है। अभी हम यहाँ से वापस निकलते हैं और वापस निकलते हुए हम एक सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी यहाँ पर मस्जिद भी है और वहाँ पर उनका मज़ार भी, हम वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो आप व्लॉग में बने रहेगा, वहाँ का मैं विज़िट आपको करवाऊँगा और देखते हैं वहाँ पर क्या रहता है। फ़िलहाल आज फ्राइडे भी है और हमें नमाज भी पढ़नी है। अगर हम उस मस्जिद तक पहुँच गए तो हम नमाज़ वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर नहीं पहुँच सके तो हम रास्ते में कहीं पर नमाज़ पढ़ के फिर वहाँ की तरफ जाएँगे और मैं आपको ज़रूर वो चीज़ विज़िट करवाऊँगा जहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो 1400 साल से ज़्यादा की पुरानी मस्जिद, ओल्ड मस्जिद यहाँ पर है सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मालिक दीनार था। तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। तो बेंगलोर सिटी आप देख लीजिए, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं। हाईवे के आसपास जो कुछ भी आता है आप देख लीजिए और नज़ारे। वाव यार अमेजिंग, ये देखिए ट्रेन वहाँ से आ रही है, हमारे बिल्कुल अपोजिट में चल रही है और साथ में ही अरेबियन सी जो कि थोड़ा सा दूर है यहाँ से। वाव अमेजिंग यार, देखो तो यार सही क्या नज़ारे हैं यहाँ के। केरल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करने की हैं। ये तो अभी मैं सिर्फ आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो मेरे हाईवे के आसपास में, मतलब मेरे आसपास जो भी चीज़ आ रही है वो ही मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ। माशाल्लाह मस्जिद आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ पर भी इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। फ़िलहाल जो जो जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। तो आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर बने रहिए मेरे चैनल पर। तो वो मस्जिद तो अभी काफ़ी दूर रह गई जहाँ पर हम जाने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ पर रास्ते में हमें दूसरी मस्जिद मिल गई। नमाज़ जुमा का टाइम हो चुका है और अभी हम नमाज़ जुमा अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको मैं दिखा दूँ इस मस्जिद के अंदर जो एब्लूशन यानी कि वज़ू बनाने का पानी है और क्या सिस्टम है यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने, लेकिन मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है क्योंकि यहाँ पर स्टैंडिंग सिस्टम है, बैठ के वज़ू बनाना जो है वही सही तरीका है। तो वज़ू वगैरह हो चुका है, अभी हम अंदर जाते हैं मस्जिद में। अल्लाहुम्म अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अभी 20-25 मिनट है नमाज़ को, तब तक हम सुन्नतें वगैरह अदा करते हैं। اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الذي صبح في يده الأصابع ونبع من بين أصابع الماء. اللهم ارض عن أشرف خلفائك الراشدين وأفضل أمرائك المرشدين وهو الإمام الشفيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق. اللهم ارض عن الإمام المعلم في الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. اللهم ارض عن سيد الأخدان أمير المؤمنين عثمان بن عفان. اللهم ارض عن مظهر العجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم ارض عن نمي نبيك حمزة واللباس وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. नमाज़ जुमा हमने यहाँ इस मस्जिद में अदा की, मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और खाना वाना कहीं पे खाएंगे। तो थोड़ा
थोड़ा बहुत आगे हम आ चुके हैं, अभी हम करेंगे लंच। मेरे सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, यहाँ पे हम जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो चलते हैं लंच करने। हमारा लंच हो चुका है, लंच में हमने जैसा कि आपने देखा बिरयानी खाई है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने देखा यार, यहाँ पे हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी पीने को देते हैं, और मैंने जब इनसे पूछा तो कहने लगे कि यहाँ का ये मतलब एक कल्चर ही है, पूरे केरल में गर्म पानी ये देते हैं साथ में। तो फिर हमने जो ठंडा पानी था वो अलग से जग में मंगवाया, तो हमने वो दिया। तो यहाँ की एक मतलब देखिए स्पेशल चीज़ हमें पता चली कि भाई खाने के साथ साथ गर्म पानी देते हो, तो उसे गर्मी भी तो है ही यहाँ पर, लेकिन पानी भी गर्म ही दिया जाता है। वैसे आज तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, 29-30 बस ऐसा ही है कुछ टेम्परेचर यहाँ का। तो बाकी काफ़ी ज़्यादा और भी चीज़ें यहाँ पे हैं एक्सप्लोर करने को, अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या एक्सप्लोर हो पाता है। तो अभी हम आ चुके हैं मलिक दीनार, जो कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका यहाँ पर मज़ार है और मस्जिद भी यहाँ पे है, आप इस तरफ से देख सकते हैं। ये जो मिडल में आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये उस टाइम की बनी हुई है और साइड पे इन्होंने नई बनाई हुई है। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। केरला में तकरीबन 1400 साल पहले सहाबी रसूल जो आए थे, तो इन्हीं के ज़रिए यहाँ पर दीन इस्लाम की इशात हुई, दीन फैला। तो जितना हम इनके बारे में कहें, तारीफ़ करें, उतना कम। सुभानअल्लाह। इस तरफ आप देख सकते हैं ये मलिक दीनार यतीम खाना है, और इसका ऑफिस वगैरह कुछ यहाँ पर। हिंदी काफ़ी ज़्यादा कम, या उर्दू हम कहें कि काफ़ी ज़्यादा कम बोली जाती है, तो हम इन लोगों से ज़्यादा कुछ पूछ भी नहीं पाए। तो ये है मलिक दीनार सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद, और इनका मकबरा भी अंदर है। अंदर भी हम जाने वाले हैं, फ़िलहाल मैं आपको बाहर से मस्जिद का पूरा व्यू दिखा देता हूँ अच्छी तरह से। हमने सोचा था कि हम नमाज जुमा यहीं पे आके अदा करें, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए, काफ़ी दूर से हमें आना था, तो फिर हमने मस्जिद में दूसरी जगह एक नमाज अदा की, और मैंने वो आपके साथ शेयर तो कर लिया है पीछे। अभी यहाँ पर अंदर की तरफ हम जाने वाले हैं, देखते हैं अंदर कैसा क्या है इसका डिज़ाइन, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मलिक दीनार है, उनका यहाँ पर जो ये सेंटर में बिल्कुल फ्रंट में आपको दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं, ये उस ज़माने की मस्जिद है जो अंदर में बिल्कुल बनी हुई है, और आसपास में ये जो नई मस्जिद तामीर हुई है, ये एक्सटेंड किया है इन्होंने इसको। तो जो पुरानी मस्जिद है उस वक्त की, जब यहाँ पर मलिक दीनार सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, तो उस टाइम की ये मस्जिद है। इसके लेफ्ट साइड में कब्रिस्तान है काफ़ी बड़ा, ये देख लीजिए आप, बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान। और बाहर है पार्किंग गाड़ियों के लिए, जो यहाँ पे विज़िटर्स आते हैं। यहाँ पे होटल मलिक दीनार भी है, ये देख सकते हैं आप, जो कि बिल्कुल यतीम खाना जो है उसके फ्रंट में है, और इस तरफ से मस्जिद हो गई। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। सहाबी रसूल के मज़ार पे मैं अपनी ज़िंदगी पे पहली बार आया हूँ, तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ अंदर। मज़ार भी जहाँ पर है, और उनके नाम की ही ये मस्जिद भी है यहाँ साथ में, तो पहले हम अंदर भी जाएंगे। ये जो पुरानी मस्जिद यहाँ बिल्कुल फ्रंट में आप देख रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक से आके मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये जो सामने मैं बिल्कुल हूँ, ये उस ज़माने की है। बाहर से तो इन्होंने बाद में डेकोरेट किया होगा, लेकिन इसी जगह पर मलिक दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद तामीर की थी, उनकी ही ये मस्जिद है। और यहाँ इस तरफ में अंदर उनका मज़ार भी है, और वहाँ पर भी अब हम जाने वाले हैं। हज़रत
तो जैसा कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग अंदर थे, अल्लाह तबारक व तआला के काफ़ी प्यारे और महबूब बंदे हैं ये, इनकी ज़्यारत करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्फ का बाइस है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।